हमारा टॉपिक है ईवन लाइंस एंड टी वन लाइंस। ईवन टाइम लाइन में और टी वन लाइन में क्या कैरियर रहता है इसमें, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ईवन टी वन लाइन के बारे में जानकारी होने से पहले हमने जो पीसीएम के बारे में जानकारी ली है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन किस प्रकार से होता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन है हमारा एनालॉग को सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया है। डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में स्लाइड में कुछ बताया गया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं, डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यही हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन है। डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए पहले भी बताया गया था कि फ्री स्पेस के अंदर डिजिटल ट्रांसमिशन नहीं होता है, फ्री स्पेस में नहीं होगा, यानी कि मीडिया की आवश्यकता होगी। मीडिया की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि कोएक्सियल केबल रह सकती है, कॉपर वायर रह सकता है, फाइबर केबल रह सकती है। जैसा कि आजकल हमारी कंपनी में चल रहा है वो फाइबर केबल पे ही मैक्सिमम हम बातचीत करने के लिए ही ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो कि फाइबर पे किस प्रकार से डिजिटल ट्रांसमिशन किया जाता है उसके बारे में, ईवन टी वन का क्या यूज़ है, वो बात हम अभी आज इसमें करेंगे। इसीलिए ईवन टी वन लाइनें क्या होती हैं वो देखिए। उससे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि डिजिटल ट्रांसमिशन ही क्यों आवश्यकता है, कि एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। पीसीएम में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये इसको स्टोर करना आसान होता है, सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को स्टोर करना आसान है, मल्टीप्लेक्सिंग करना एनालॉग के कंपैरिजन में काफ़ी इजी रहता है, इंक्रप्शन लगाना यानी कि इसके ऊपर सिक्योरिटी लगाना इजी रहता है, और जो नॉइज़ की बात की जाती है कोई इसी प्रकार का कम्युनिकेशन हो उसमें नॉइज़ का बहुत बड़ा पहलू होता है। किसी भी सिस्टम के अंदर नॉइज़ को 100% रिमूव नहीं किया जा सकता, यानी कि सिस्टम आइडियल नहीं बनाया जा सकता, चाहे किसी प्रकार का सिस्टम हो, चाहे कॉपर पे हो, कोएक्सियल पे हो या फाइबर पे हो, कुछ ना कुछ नॉइज़ अवश्य रहेगा। उस नॉइज़ को जितने लेवल तक डाउन किया जा सके, जितना कम किया जा सके, एनालॉग के कंपैरिजन में डिजिटल में एरर को डिटेक्ट करना काफ़ी हद तक आसान होता है, इसलिए डिजिटल ट्रांसमिशन का यूज़ कर रहे हैं। इसी के कंटिन्यूशन में हम इसकी डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, कुछ कमियां भी हैं डिजिटल सिग्नल में जो ट्रांसमिशन किया जाता है, डिजिटल ट्रांसमिशन में, कि इसके लिए कि सिंक्रोनाइजेशन बहुत प्रिसाइज लेवल का चाहिए होता है, कि जब तक सेंट्रली क्लॉक, जो हम आगे अभी आज पढ़ेंगे पीडीएच एसडीएच के बारे में, सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जो बैंडविड्थ है एनालॉग सिग्नल के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है, इस कारण भी एक सबसे बड़ा रीज़न है इसका, ये सबसे बड़ी इसकी कुछ कमजोरियां हैं, कमियां हैं, डिसएडवांटेज हैं डिजिटल ट्रांसमिशन की। कोडिंग, इनकोडिंग और डिकोडिंग की बात हमने पीसीएम में कर ली है कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, फिर जो हमारा दूसरा एंड रहेगा वापस उसको डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। जो पुराना सिस्टम होगा, जैसे आज के पीएलसीसी सिस्टम के साथ में किसी डिजिटल सिग्नल को कंपेटिबिलिटी बनाना उसकी थोड़ा मुश्किल काम है। जो आज का नया सिस्टम है उसके साथ ही डिजिटल सिग्नल चलता है, एनालॉग का कोई सिस्टम चल रहा है और हम चाहें कि उसको किसी डिजिटल सिग्नल के अनुसार तैयार कर लिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये अपने आप में कमी है। तो उसके लिए आपको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, तभी हम डिजिटल ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ पाएंगे। पीसीएम के बारे में अपन ने देख लिया था, पीसीएम का ये अपने आप में एक उसकी डेफिनेशन है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू अनदर सिग्नल। जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी कैरियर के साथ में, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना ही एक पीसीएम है। अब बात करते हैं हम ईवन और टी वन लाइन के बारे में। इनिशियली वॉइस की बात करते हैं कि टेलीफोन जो कंपनियां थी उनकी जो ईवन टी वन सिस्टम आया वो वॉइस के पर्पज से आया, ठीक है। आजकल अब डेटा का यूज करते हैं, डेटा के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दोनों ईवन टी वन के अंदर जो सिस्टम यूज होंगे वो था टीडीएम टेक्नोलॉजी पे, जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगी, हर सिग्नल को एक निश्चित स्लॉट मिलेगा, उस स्लॉट के अकॉर्डिंग ही आगे मल्टीप्लेक्सिंग चलती जाएगी, वन बाई वन होगा, टीडीएम टेक्नोलॉजी पे काम करेगा ये। बोथ आर द टीडीएम टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट मल्टीपल वॉइस डेटा चैनल ओवर ए सिंगल लाइन, सिंगल लाइन पे मैक्सिमम चैनल का डेटा भेजना टीडीएम टेक्नोलॉजी को काम करते हुए किया जाएगा। बेसिक जो रेट है हमारी सिंगल चैनल की, बेसिक रेट है वो 64 kbps है। 64 kbps के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं नाइक्विस्ट थ्योरम से, जो हमने एक स्विच लगाया है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, 8000 टाइम वो एक सेकंड में ऑपरेट हो रहा है और 8 बिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 8000 मल्टीप्लाई बाई 8 से 64 kbps का बेसिक जो सिंगल चैनल की बिट रेट है वो इससे डिफाइन की गई है।
इवन टी1 के बारे में कि इवन यूरोपियन स्टैंडर्ड का है और टी1 अमेरिकन स्टैंडर्ड का है। हमारे यहाँ इवन जनरली हिंदुस्तान में इवन सिस्टम ही काम में लिया जाता है, टी1 को इंडिया में काम में नहीं लिया जाता है। इवन सिस्टम के बारे में तो RVPN के अंदर भी काफ़ी जगह पर इवन के बारे में लोग जान गए हैं, अब रहता क्या इवन टी1 के अंदर वो देखिए। ये हमारा इवन सिस्टम के बारे में। इवन सिस्टम में आप ये ध्यान रखिए कि 32 चैनल्स होते हैं, 0 से लेकर के 31 चैनल तक, TS0 से लेकर TS31 तक, यानी कि टोटल 32 चैनल होते हैं। हर एक चैनल के लिए इसके अंदर 30 चैनल जो रहेंगे वो इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाएंगे, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वॉइस की फॉर्म में है चाहे डेटा की फॉर्म में है, टोटल 30 चैनल हमारा डेटा लेकर के जाते हैं। दो चैनल इसमें ऐसे यूज़ किया जाए, TS0 और TS60, ये दो चैनल ऐसे रहते हैं जो कि कंट्रोलिंग के काम आते हैं, यानी मैनेजमेंट का काम करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करवाना, सिग्नलिंग कराना, यानी कि इसका काम मैनेजमेंट है। इनमें किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इस चैनल में और इस चैनल में किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जो हम इससे इस फ्रेम के अंदर पूरा सिग्नल भेज रहे हैं उसमें केवल 30 चैनल के अंदर ही हमारा डेटा जाएगा। अब इस इवन कैरियर की बिट रेट पर चैनल कैसे निकाली जाती है, हम जानते हैं कि बेसिक बिट रेट जो हमारा है वो है 64 KBPS, 8 × 8000, 8 हमारी बिट है, 8000 हमारा स्विच है जिसको नाइक्विस्ट थ्योरम से ये हमें चीज़ मिली है। 64 KBPS को यदि 32 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 32 चैनल है, ये बात सही है कि 30 चैनल के अंदर ही कर रहे हैं, परंतु जो इसकी स्पीड मानी जाती है वो 32 × 64 यानी 2048, यानी कि 2.048 MBPS। एक सेकेंड, इसका मतलब हो गया मेगाबिट पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर लगभग 2.048 मेगा ये डेटा ट्रांसमिट होगा। इसे कहा जाता है इवन कैरियर। इवन कैरियर का ये स्टैंडर्ड है, यूरोपियन सिस्टम है, जहाँ भी जो भी स्टैंडर्ड बनेगा, जो भी इवन कैरियर को फॉलो करेगा, जो भी इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए, जो भी इक्विपमेंट बनेंगे उनको यदि इवन कैरियर को फॉलो करना है तो उनका फ्रेम की जो बिट रेट रहेगी वो ये रहेगी। इसके अंदर एक चैनल की बिट रेट जो रहेगी, एक फ्रेम कहेंगे, इसे चैनल नहीं कह सकते, पूरा फ्रेम है ये, 32 चैनल का एक फ्रेम है। इसी प्रकार T1 के बारे में बात करते हैं, T1 की भी सेम ऐसा ही सिस्टम है, उसके अंदर 24 चैनल्स रहते हैं, T1 के अंदर 24 चैनल रहते हैं। इसमें एक चीज़ अलग रहती है कि इसके लिए अलग से कोई चैनल नहीं होता जो मैनेजमेंट का काम करे। इवन में आपने देखा था कि दो चैनल मैनेजमेंट का काम करते थे, TS0 और TS16, परंतु T1 के अंदर किसी प्रकार की अलग से चैनल नहीं रखा जाता कि जो कि मैनेजमेंट का काम करेगा, जिसमें सिंक्रोनाइजेशन है, कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट का काम नहीं करता। इसमें एक बिट फ्रेमिंग बिट अलग से लगा दी जाती है, 8 बिट के साथ में एक बिट अलग से लगा दी जाती है। 24 चैनल है जो कि वॉइस और डेटा के काम आएंगे, इसमें एक फ्रेमिंग बिट रहती है, टोटल चैनल 8 है तो 8 बिट इसमें काम में लेंगे। 24 चैनल है उसमें 8 बिट काम में लेते हैं, तो यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो वही हमारा बेसिक रेट जो है पर चैनल का, डेटा रेट पर चैनल 64 KBPS है, 64 मल्टीप्लाई बाई 24, क्योंकि T1 के अंदर 24 चैनल होते हैं, E1 के अंदर 32 चैनल होते हैं और 8 बिट इसमें फ्रेमिंग बिट रहती है। तो हमारी कैलकुलेशन से हमें रिजल्ट मिला 1.544 MBPS, यानी कि T1 का यदि यूज़ किया जाता है तो डेटा जो रेट रहेगी 1.544 MBPS मेगा बिट पर सेकेंड रहेगी। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि E1 के अंदर 2.048 रहेगा और T1 के अंदर 1.544 रहेगा। अब रही E1 को यूज़ करते हुए और T1 को यूज़ करते हुए जो भी डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए सर्किट बनाए गए हैं, ये E1 सर्किट किस प्रकार से काम करते हैं वो हम आगे की वीडियो में PDH, SDH और DWDM के अंदर डिस्कस करेंगे। DWDM में E1 T1 का यूज़ नहीं रहेगा, परंतु PDH और SDH के अंदर जो हमारा E1 और T1 का रहेगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।